तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले पीनट बटर के बारे में। तो मेरे पास अल्पिनो का पीनट बटर है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारे पीनट बटर का रिव्यू किया है, तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मेरे पास अल्पिनो का पीनट बटर है। तो ये अल्पिनो का है, क्रंची स्वीटनेड है। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके इसको बाय कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसका ही चॉकलेटी पीनट बटर है अल्पिनो का, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके लिए उसकी आपको एक दो दिन में वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। तो चलिए अब इसकी न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप 100 ग्राम अगर यूज़ करोगे तो आपको कैलोरीज मिल जाएंगी 605 आपको इसमें कैलोरीज मिल जाएंगी। प्रोटीन की अगर बात करें तो 30 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट 22 ग्राम आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और इसमें एडेड शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, 0 ग्राम, मतलब इसमें कुछ भी एडेड शुगर वगैरह नहीं है। अगर किसी पीनट बटर में आपको एडेड शुगर वगैरह मिलती है तो उसको बाय मत कीजिए। और अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट 0 है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, तो इस टाइप से। और जब आप कभी भी पीनट बटर बाय करोगे अच्छे क्वालिटी का, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लिखा है रोस्टेड पीनट। इसका जो कंटेंट होना चाहिए वो सिर्फ रोस्टेड पीनट ही होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी शुगर सॉल्ट वगैरह ऐड किया है तो आप इसको बाय मत कीजिए। और ज़्यादातर पीनट बटर में हाइड्रोजनेट ऑयल, पाम ऑयल जो रहता है वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो आप उस पीनट बटर को बाय मत कीजिए। और सिर्फ रोस्टेड पीनट ही होना चाहिए, वही ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हो, या फिर स्मूदी वगैरह आप बनाते हो, या फिर मैंगो शेक, प्रोटीन शेक वगैरह, अगर बनाना शेक वगैरह बनाते हो तो आप 1 स्पून से लेकर 2 स्पून यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको 100 ग्राम की न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन बताई थी। अगर आप 32 ग्राम अगर यूज़ करोगे तो आपको 194 आपको इसमें कैलोरीज मिल जाएंगी, 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है 10 ग्राम प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट 7 ग्राम आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगी। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम ही है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी पीनट बटर की रेसिपी मिल जाएंगी, आप उनमें से कोई भी पीनट बटर की रेसिपी ट्राई कर सकते हो। और ये भी काफ़ी अच्छा पीनट बटर है। तो इसमें मुझे लगता है कि 2 वेराइटी अवेलेबल है, एक क्रंची है और एक स्मूथ वाला आता है। तो क्रंची वाले में क्या रहता है कि जो पीनट है वो थोड़े पीनट रहते हैं, उसका पूरा पेस्ट नहीं बना लेते हैं, तो इसमें थोड़ा मतलब पीनट रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए इसको क्रंची कहते हैं। क्रंची बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे क्रंची वाला ही बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं क्रंची वाला ही बाय करता हूँ। तो आपको इसको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो गाइस चलिए अब इसकी बात करते हैं कि इसे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, घर में जो छोटे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो घर में बड़े हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इंडियन प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो ये अल्पिनो का। मैं इसकी पिक्चर थोड़ा जूम करके साइड में डाल दूँगा। तो ये मैं फ्रंट कैमरे से शूट करता हूँ ना, तो इसलिए पूरा स्पेलिंग वगैरह उल्टा दिखाई दे रहा हूँगा आपको। तो बहुत ही हेवी है ये वाला, तो आप चाहे तो ये थोड़ा कॉस्टली भी आता है, तो आप चाहे तो 1 kg का भी बाय कर सकते हो अल्पिनो का। तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट है अल्पिनो के, सबकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप आलमंड बटर भी इसका यूज़ कर सकते हो, तो आलमंड बटर थोड़ा कॉस्टली आता है, तो या फिर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अल्पिनो का पीनट बटर। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी रेसिपी आप इसकी बना सकते हो। तो चलिए गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। जय बजरंगबली, जय हिंद।